अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मुझे सुबह सुबह एक बड़ी बेहतरीन खबर सुनने को मिली। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। आपने नाम सुना होगा सना खान का, वो एक बेहतरीन अभिनेत्री थी, एक अच्छी कलाकार थी, लेकिन एक वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा आया जब उन्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल गई। और जब उन्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली तो उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया, मुफ्ती साहब के साथ निकाह कर लिया, मुफ्ती सलमान साहब के साथ, और अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी। ऐसा ही एक वाकया और हुआ है आज शहर। आपने शहर अफशा का नाम जरूर सुना होगा, ये भोजपुरी फिल्मों की एक अभिनेत्री है। ये आपके सामने, ये भी बहुत मशहूर है भोजपुरी में, और हिंदी के दर्शक भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत फिल्मों में काम किया इन्होंने, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भी इन्होंने फिल्मों में काम किया है। लेकिन एक वक्त इनकी जिंदगी में भी ऐसा आया जब अल्लाह ने इन्हें हिदायत दे दी और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को छोड़ने का फैसला कर लिया। और ये खबर इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाली। इन्होंने लिखा है कि मेरा अब फिल्म इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, मैं इस जिंदगी को छोड़ रही हूं, और मैंने जो कुछ भी किया मैं उसकी अल्लाह से माफी की मांगती हूं। बहुत बहुत अच्छा लगा ये खबर सुनकर, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सहरबाजी आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे ला लिया है, हाउ इज इट। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमें दुआ करनी है कि हमें अल्लाह अच्छे सही रास्ते पर लगाए और हमें नेक हिदायत दे। देखिए, इंसान की फितरत में है गुनाह करना, बट अगर जो माफ़ी मांगे वो अल्लाह को बहुत पसंद है, जो दिल से तौबा कर ले वो अल्लाह को बहुत पसंद है। दोस्तों कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वही इनके साथ भी हुआ। खैर, मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि हम सबको हिदायत दे, हम सब सही रास्ते पर चलें, जो हमारा दीन हमसे कहता है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए रास्ता चुना है, जो आपकी सुन्नत मुबारक हैं, हम उन पर पूरी तरह से चलें। और ऐसे लोग जब हिदायाफ्ता होते हैं तो उनके साथ एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा जत्था, वो भी हिदायाफ्ता होता है जो इनका चाहने वाला होता है। और फिर ये दुनिया भी ज़िंदगी है ही कितने दिन की, वक्त के साथ अगर इंसान तौबा कर ले तो हम सबके हक में बेहतर होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, सिर्फ इतना है कि कुछ लोग तो हैं मेरे जानने वाले जिनके पास ये वीडियो जाएगा और उन्हें देखकर हो सकता है वो दूसरों को पहुंचाएं, और कुछ ऐसे लोग भी जुड़ जाएं जो मुझे नहीं जानते हों या जो हिदायत के लिए तड़प रहे हों, वो इस खबर को देखकर हिदायाफ्ता हो जाएं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आप।